बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज से आप सब की फरमाइश के ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, उसे मद्देनज़र रखते हुए मैं एक सिलसिला शुरू कर रही हूँ। अभी रमज़ान में तकरीबन 2 महीने हैं, तो अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स मैं हफ्ते में 2 दिन रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज से उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मैं आपको सिखा रही हूँ चीज़ बॉल्स। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। चीज़ बॉल बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, इनके मैंने किनारे कट कर लिए हैं। आप चाहें तो कैंची से या छुरी से, जिससे आपको ज़्यादा आसान लगे, इसके किनारे काट लीजिए। साथ ही हमें चीज़ चाहिए मोज़रेला या चेडर, जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ, थोड़े उसके स्ट्रिंग्स बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। साथ ही हम इसके अंदर चीज़ में जो चीज़ें मिक्स करेंगे उसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, 1/4 to 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। मैं काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये 3 जो ग्रीन चिलीज़ मैंने यूज़ की हैं ये काफ़ी तेज़ वाली हैं, आप चाहें तो इसे 1/2 टीस्पून भी कर सकते हैं। साथ ही ये 1/2 शिमला मिर्च है, बहुत फाइन चॉप करके मैंने इसके अंदर काट के रखी है, और 2 टेबल स्पून इसमें भर के हरा धनिया फाइन चॉप किया हुआ जाएगा। तो सिंपली अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर ये तमाम चीज़ों को शामिल कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ मिर्चें खा लेते हैं तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्चें पिसी हुई या कुटी हुई दोनों ही इसके अंदर ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको तैयार करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, बाउल के अंदर मैंने पानी ले लिया है। डबल रोटी के स्लाइस को इस तरीके से हमने सिर्फ 1 सेकंड के लिए पानी में भिगोना है, और फिर इस तरीके से सब तरफ से इसे निचोड़ लेना है। ये देखिए, ये टूटना नहीं चाहिए, बस आपने बहुत ध्यान से इसको निचोड़ना है। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे। ये प्योरली वेजिटेरियन वे में बना रही हूँ मैं, लेकिन आप इसके अंदर चिकन की स्टफिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही आप इसके अंदर और दूसरी चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह भी स्टफ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये पानी के ऊपर रख के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें से पानी निकलेगा। ये देखिए, इस तरह दबा दबा के हमने इसे सब तरफ से बंद कर लेना है। खास तौर पे इसका मुंह अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए, और स्टफिंग इतनी नहीं होनी चाहिए कि ये बिल्कुल इसमें से बाहर आ जाए, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो डबल रोटी जो है वो फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो जाएगी। तो अगर यहाँ कहीं पर भी कोई जगह खुली हुई होगी तो वहीं से सारी चीज़ जो है वो ऊज आउट हो जाएगी, इसीलिए हमको इसको बहुत ध्यान से बनाना है। एक और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से दोनों पाम्स के बीच में इसको दबाना है, और डबल रोटी के अंदर कुदरती तौर पर बनते हुए भी कहीं कहीं सुराख आ जाते हैं, तो उसके लिए सिंपली ये करना है कि देखें, इसमें भी इतना बड़ा हैगा एक एयर पॉकेट बना हुआ, तो ये मैंने डबल रोटी का स्लाइस लिया, इसको भिगो के इसके ऊपर लगा दिया, यानी कि मैंने इसके तमाम जो होल्स बने हुए हैं उनको फिल कर लेना है। सेंटर में जो हो उन्हें फिल कर लीजिए, साइड में जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें फिलिंग का डाल लिया, के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सब तरफ से सील कर देना है। ये चूंकि ब्रेड गीली हो चुकी है इसलिए ये तमाम किनारे आपस में चिपक जाएंगे और फिर ये खुलेंगे नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी फटने नहीं चाहिए।
तो ये एक और मैंने रेडी कर लिया, मैं आपको तमाम के तमाम रेडी करके फिर लास्ट में दिखाती हूँ। तमाम के तमाम मैंने चीज़ बॉल्स तैयार कर लिए हैं और इनको गरम तेल में डालते हुए मैं एक दफ़ा फिर हाथ से इनका शेप जो है वो बेहतर कर लूँगी। ऑयल में डालने के बाद इन्हें हिलाना नहीं है, थोड़ी देर बाद जब इनका कलर चेंज होने लगेगा ये खुद ही थोड़े से फ्लोट होने लगेंगे तो फिर मैं इनका साइड चेंज कर दूंगी। इनका बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करना है, इनको एक से दो दफ़ा में ही इनको सिर्फ गोल्डन कर लेना है और उसके बाद इन्हें पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। तो ये एक साइड से होने लगे थे, देख लीजिए लाइट गोल्डन होने लगे हैं, तो मैंने इन्हें दो स्पून की मदद से टर्न कर दिया है। इनमें से एक खुल भी गया है, मैंने आपसे कहा था बहुत ध्यान रखना है, तो देख लीजिए मैंने बहुत ध्यान से बनाए थे फिर भी एक खुल गया है। हर इंसान से गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। बाकी सारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, तो मैं आपके सामने इसको पलट पलट देती हूँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन्हें पलटने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो स्पून से इस्तेमाल करेंगे और इन्हें एक से दो दफ़ा ही पलटना है। ज़्यादा देर तक इनको बार बार पलटने से ये खुल जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेड के बने हुए तो ब्रेड खुल सकती है। तो अब इसमें से जो तकरीबन हो गए हैं उन्हें मैं निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार चीज़ बॉल रेडी होते हैं ये, बहुत ही लजीज लगते हैं और रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये। तो जनाब हमारे मज़ेदार चीज़ बॉल बिल्कुल रेडी हैं, चीज़ ऊज़ आउट होता हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मैंने आपको एक काट के भी दिखाया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एक फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिलेंगी। मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। उसके अलावा मेरा एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ आपको ये तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और मुझको अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ भेजते रहिए ताकि मैं इसके हिसाब से ही अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।